Good morning, students. Today I am going to start class area science, chemistry, metals and non-metals. Metals and non-metals. Okay. Class 8. Chemistry. ठीक देखिए क्लास उसमें केमिस्ट्री में एलिमेंट्स जो होते हैं एलिमेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, इसमें कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो मेटल्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेटल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि देयर आर मोस्टली हार्ड सब्सटेंसेस मोस्टली सॉलिड सब्सटेंसेस देयर आर मोस्टली सॉलिड. ठीक है, मोस्टली सॉलिड और इनकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की जब बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में यह कहा गया है कि ये में भी लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में कहा गया है देयर आर सॉफ्ट. ठीक है, सॉफ्ट और नॉन मैलिएबल. देयर आर सॉफ्ट एंड नॉन मैलिएबल. ठीक है, और इनके बारे में क्या कहे, कंडक्टर जो होते हैं इट इज पुअर कंडक्टर. ठीक है, ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं. ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सॉलिड हैज पॉजिटिव चार्ज एंड लिक्विड और गैस हैज निगेटिव चार्ज. ये हो गया. ठीक, मतलब सॉलिड के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है लिक्विड के पास निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, अब जब बात ये आती है कि इनको कैसे शो किया जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेटल जो होते हैं मेटल्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
आप इसको शो भी कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे? जैसे आपने सोडियम सोडियम एलिमेंट जानते होंगे, सोडियम एलिमेंट का सिंबल जो होता है Na, ठीक है। सोडियम लेंगे, सोडियम रेडिकल लेंगे तो इसका वैलेंस, इसका जो वो होता है Na प्लस, सिंगल पॉजिटिव सा डोनेट करते हैं, ठीक है। अब सिंगल पॉजिटिव सा जो डोनेट करेंगे तब इसमें क्या करेंगे कि जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, तो ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें जोड़ेंगे तब ये जो सोडियम रेडिकल है ये आपका सोडियम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक सोडियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे, मतलब दिस इज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताया ना एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये सोडियम एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक नॉन मेटल्स के बारे में कहा जाता है, नॉन मेटल्स का देख लीजिए, नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स के लिए कहा जाता है, ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे? जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरीन, क्लोरीन रेडिकल ले लीजिए, तो क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन के पास वैलेंस ही होती है सिंगल माइनस की, ठीक है। अब जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्लोरीन सिंगल माइनस को जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्लोरीन ये एलिमेंट हो जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इसमें से, तो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने उसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जितने निगेटिव होंगे, जितने निगेटिव चार्ज, ये ऐसी बात नहीं है, आप इनमें सिंगल निगेटिव दिया हुआ है तो आप डबल निगेटिव निगेटिव का भी ले सकते हैं, ट्रिपल निगेटिव का ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके जो सिंगल निगेटिव होते हैं इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कहा जाता है, सिंगल निगेटिव चार्ज एलिमेंट नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट, ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक। अब बात आती है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में ही एक अदर चीज आती है कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस देख लीजिए, रिएक्शंस के लिए पहले मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अब ये रिएक्शन कैसे होते हैं? जैसे मेटल को, किसी भी मेटल को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो किसी मेटल का हमने जैसे आयरन, ठीक है, तो आयरन लिया, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, और ऑक्सीजन जानते हैं आप, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का O, ठीक है। लेकिन O ऑक्सीजन आपका गैस है, इसलिए ये अकेला, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कभी भी एटम बनके, मींस सिंगल एलिमेंट, मतलब सिंगल एटम अकेला ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, ठीक है। ये जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन कभी भी एटम बन के इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, इसलिए जब भी इसको रिएक्शन कराएंगे, जैसे आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हो गए, मतलब दो इसके एटम मिलेंगे तब, जैसे कि देख लीजिए, जैसे आयरन है, आयरन तो आपका एटम ही रहेगा क्योंकि ये सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन गैस मतलब O2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, देखिए
एक ये एटम था, ये एटम है, लेकिन अगर हम O2 लिख देते हैं तो ये आपका मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। O2 लिखेंगे तो मॉलिक्यूल में, देखिए हमने Fe को O2 से रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा? अगर हम Fe को O2 से कराएंगे तो बनेगा Fe और एक O2, एक सब बन जाएगा और नाम हो जाएगा इसका फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे आयरन कितने हैं? दो हैं, यहाँ पे आयरन एक है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है टू है और यहाँ पे थ्री है। तो अगर हम यहाँ थ्री ऑक्सीजन कर देते हैं तो यहाँ छह ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ टू कर दे तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। आयरन आपके पास चार हो गए, ये दो दुनी टू टू सा फोर, तो ऑक्सीजन यहाँ पे चार हो गए, तो ये चार आयरन हो गया, ठीक है। मतलब चार आयरन यहाँ पे, चार आयरन यहाँ पे, सिक्स ऑक्सीजन यहाँ पे, सिक्स ऑक्सीजन यहाँ पे, तो आपका ये जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ दैट्स नोन एज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे भी और से हैं, जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देख लीजिए मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब देख लीजिए क्या बनेगा। मैग्नीशियम का जो होता है Mg, ठीक है, Mg, और किससे? ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, जानते हैं आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही इसके साथ मिक्स होगा, O2, क्या करेंगे O2, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स बन जाएगा MgO, क्या बनेगा MgO। अब Mg अब यहाँ पे एक है तो एक ही Mg रखा जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो बढ़ा देंगे। देखिए इसके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बढ़ा देंगे तो MgO2 अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर MgO2 लिख देंगे तो ये फॉर्मूला आपका और रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। इसके साथ इसके लिए MgO ही लिखेंगे, MgO ही लिखेंगे, और MgO लिखने जब लिखेंगे तो MgO इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2MgO करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे दो हो गए, तो इस 2 का मतलब हो गया कि इस पूरे कंपाउंड में, मतलब पूरे कंपाउंड पे 2 पावर लगी हुई है, इस पूरे कंपाउंड पे पावर 2 लगी हुई है, तो यह आपका 2MgO के बराबर हो गया, ठीक है। यह आपका ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम का रिएक्ट ऑक्सीजन से हो गया। अब ऐसे और सोडियम ले लीजिए, Na, लिखा सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट, सोडियम का जो है आप सिंबल जानते हैं Na को ऑक्सीजन से कराएंगे O2, मॉलिक्यूल ही रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2O, Na2O, ठीक है, इसका नाम लिखे दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया। अब इसका जो हमने किया, अब देखिए यहां पे सोडियम दो हैं और यहां पे आपके पास सोडियम एक ही है, ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे दो हैं, यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, तो यहां हमने दो कर दिया। देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे चार हो गए, तो सोडियम यहाँ पे भी चार कर देंगे, ठीक है। ये आपके रिएक्शन हो गए ऑक्सीजन से, मतलब मेटल कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, ओके। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लीजिए कि नॉन मेटल जो है कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ये देख लीजिए। जैसे नॉन मेटल, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात है। कि नॉन मेटल को ले लीजिए आप, जैसे कार्बन, ठीक है, तो कार्बन भी आपका नॉन मेटल है। कार्बन को हमने किससे करा दिया? ऑक्सीजन से, तो सीधी सी बात है कार्बन ऑक्सीजन एक साथ मिल जाएगा तो CO2 बन जाएगा,
यू नो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया ठीक है, क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ठीक। अब ये चीज हो गई, फिर जैसे आती है बात, अब किसी वाटर से रिएक्ट कराया जाए ठीक है, किसी भी नॉन मेटल को वाटर से रिएक्ट कराते हैं ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब नॉन मेटल कैसे ये वाटर से रिएक्ट कराते हैं, देख लीजिए नॉन मेटल आपका कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर से रिएक्ट कराएंगे H2O ठीक है। अब H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा आपका H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है कार्बोनिक एसिड ठीक है। अब जैसे एक और ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे, देख लीजिए SO2 को वाटर से कराएंगे तो बनेगा क्या, H2 तो आपका ऐसे ही हो जाएगा ठीक है, और H2SO3 बनेगा, क्या बनेगा H2SO3, इसको कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड, क्या कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया आपका ठीक है। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है, देख लीजिएगा मेटल्स वाटर से रिएक्ट करता है कैसे, अगली प्रॉपर्टी आती है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, मेटल्स जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनके तैयार होंगे, सबसे पहले मेटालिक ऑक्साइड बनेगा और मेटालिक ऑक्साइड बनने के बाद जो है ये हाइड्रोजन गैस निकल, कहीं कहीं मेटालिक ऑक्साइड बनते हुए कोई कोई मेटल ऐसे होते हैं कि वो रिएक्शन करने के बाद पता लगता है कि मेटल जब किसी वाटर से रिएक्ट करता है तो बेस भी बना देते हैं ठीक है। जैसे मेटल्स रिएक्ट विद वाटर करेंगे, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, तो ऐसे कोई मेटल ले लें, Na सोडियम ले लेते हैं ठीक है, सोडियम को हमने वाटर से रिएक्ट कराया ठीक, तो सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमने बताया ना कोई कोई मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस दे जाते हैं, मींस हाइड्रोक्साइड दे जाते हैं उनके, तो जैसे सोडियम के साथ अगर हम करने आएंगे तो बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी ठीक है, क्या निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हर हालत में निकलेगी, जब भी मेटल्स को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो मे बी वो हाइड्रोक्साइड बनेंगे, मे बी वो मेटलिक ऑक्साइड बन सकते हैं, लेकिन एक चीज मस्ट है कि वो हाइड्रोजन जरूर रिलीज करेंगे उसमें ठीक है। तो ऐसा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, Na तो आपका बैलेंस है ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास 2, 1, 3 है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हमने यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं ठीक है, तो आपके पास 4 हो गए, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया ठीक, और हमने यहाँ पे 2 कर दिया, अब देखिए ये बैलेंस हो गया, 2 सोडियम यहाँ पे हैं, 2 सोडियम यहाँ पे हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यहाँ पे 2, 2, 4 हाइड्रोजन हो गए ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन ठीक है, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे अब जिंक को ले लेते हैं ठीक है, अब जिंक को वाटर से कराते हैं, जिंक रिएक्ट विद वाटर जिंक रिएक्ट विद वाटर, जब जिंक को वाटर से कराएंगे
तो क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, जेड एन प्लस एच टू ओ। तो हमने बताया ना कि कुछ कुछ मेटल ऐसे होंगे जो वाटर से रिएक्ट करने पर उनके ऑक्साइड बन जाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, वो कंडीशन यहाँ पे होगी। देखिए जिंक ऑक्सीजन एक साथ मिलकर उसके ऑक्साइड बन, मतलब मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे, मतलब यहाँ पे कंपाउंड बनकर तैयार होगा आपका जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये, ठीक है। मतलब हो गया इसका जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इसी रो में इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है कि जो है मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं। देखिए नॉर्मली आपके तीन मेजर एसिड बताए गए हैं, ठीक है, मेटल्स एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखने वाली बात है। हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। तो मेटल्स एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली एसिड आपके तीन टाइप के होते हैं, जनरली एसिड आपके तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर टू सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर थ्री नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीन नॉर्मली एसिड होते हैं आपके, ठीक है। मे भी अलग की बात है, ये डाइल्यूट भी हो सकते हैं और कंसंट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो जैसा कि हम मेटल्स को एसिड से रिएक्ट करा दे रहे हैं, तो जैसे एक मेटल ले लेते हैं कोई एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो यहां लिखे दे रहे हैं एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एल्यूमिनियम को जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा AlCl3, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप। अब बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पे तीन क्लोरीन है और यहां पे एक ही क्लोरीन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, और यहाँ पे हम पहले यहाँ पे 3H2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ये देखिए आपका बैलेंस हो गया, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे, 6 क्लोरीन यहाँ पे, 3 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, देयर इट इज। और इसका नाम हो गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हो गया, ठीक है। अब कोई और एलिमेंट लेते हैं, देख लीजिए अब लेने कोई एलिमेंट, जैसे आयरन ले लेते हैं, ठीक है, आयरन मेटल ले लेते हैं, Fe को हमने करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है H2SO4 से, तो क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट बना देंगे पहले Fe2SO4 whole thrice, फेरिक सल्फेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इसमें से। ये देख लीजिए कैसे निकलेगा हाइड्रोजन गैस H2। इतना हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगी तो उसमें हाइड्रोजन वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहां सल्फेट थ्री है, तो यहाँ पे 3 सल्फेट है, यहाँ पे भी 3 कर देंगे और यहाँ पे आपका 6 कर देंगे, ठीक है, 3 करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा ये,
और यहाँ पे 3 सल्फेट हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया और इसका नाम हो गया फेरिक सल्फेट। ठीक, एक और देख लेते हैं, उसको नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं, नाइट्रिक एसिड एजी से करा देते हैं। ठीक है, सिल्वर एजी से कराएंगे HNO3 का। एजी से करा देंगे सिल्वर से, तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा AgNO3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज हो जाएगी H2। ठीक है, तो यहां पे 2 कर दिया हमने और यहां पे हम 2 कर देते हैं और यहां पे भी 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यह आपका बन जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक चीज आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आपके माइंड में, कि ये कंपाउंड कैसे हम पता करेंगे ये सही कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको हाउ यू फाइंड द कंपाउंड बाय यूजिंग द क्रिस्क्रॉस मेथड। थैंक यू।